ग्वालियर शहर में विधानसभा चुनाव के बाद बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बता दें कि नगर निगम मदाखलत विभाग ने अवैध रूप से सड़कों पर गुमटी रखकर रास्ता रोकने वालों पर कार्रवाई करते हुए सामान जब्त किया। इसी क्रम में नगर निगम ने JAH अस्पताल और फूलबाग के बाहर फुटपाथ पर अवैध रूप से लग रहे ठेले जब्त करने की कार्रवाई की। वहीं कार्रवाई के समय कर्मचारियों और ठेला चालकों में हल्की बहस भी देखने को मिली। इस दौरान नगर निगम मदाखलत विभाग प्रभारी ने बताया कि ग्वालियर में इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। ये अपना जो 1000 बिस्तर का जो अस्पताल बना है, नवीन भवन बना है, इसके सामने काफ़ी गुमटियाँ और ये चाय के नाश्ते की दुकान है, तो इसके कारण बहुत सारा अतिक्रमण काफ़ी दिन से चल रहा था और काफ़ी शिकायतें मिल रही थी। तो नगर निगम का हमला और पुलिस का हमला साथ में उपस्थित होकर इसको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। तो क्या है, सामने गेट पे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही थी कि यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं निकल पा रही है, कई ठेले वेले वाले आगे खड़े होकर अतिक्रमण कर रहे थे, उनको हटाया गया है। अच्छा, महाराज वाड़े पे करोड़ों रुपए स्मार्ट लगाया, उसके बाद भी ये वहाँ पे भी अभी पहले भी हमने कार्रवाई की थी, अभी फिर वहाँ पे अभियान चलाएं महाराज वाड़े पे। जी जी जी, हाँ वहाँ पे भी पहले भी किया है और फिर करेंगे हम बड़ी कल। प्राइम लोकेशन पे बिल्कुल उन्होंने अतिक्रमण करके रखा था, हमने 3-4 बार अनाउंसमेंट भी कराया है कि आप लोग वॉकर जोन में जाओ, वहाँ शिफ्ट होइए, तब आज नहीं माने तो आज हम लोगों ने इनको हटाने की कार्रवाई की। वॉकर जोन बना हुआ है यहाँ पर, वॉकर जोन कंपू वॉकर जोन है, अब इनको हमने पहले भी कहा था। शहर में जैसे आप आपके क्षेत्र में पूरे शहर में कार्रवाई होगी, हर जगह कार्रवाई होगी, जो भी मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण कर रखे हैं।